सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ निविया का प्योरीफाइंग फेस वॉश ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है एंड ये इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छे से एक्सपोलिएट करते हैं एंड जो भी डेड स्किन है उसको रिमूव करते हैं इसका पूरा रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है आप चेकआउट कर लेना एंड आपको अपने फेस के लिए एक सेपरेट टाल का यूज़ करना है एंड अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है एक्सपोलियेशन के मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हिमालय का प्योरिफाइंग नीम स्क्रब विथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छा वाला स्क्रब है थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपने पूरे फेस पर आपको इसे स्क्रब करना है इस स्टेप से क्या होता है कि आपकी स्किन में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव होती है डेड स्किन रिमूव होती है स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन सॉफ्ट क्लियर होती है इस स्टेप को आपको करना है वीक में सिर्फ एक बार उससे ज़्यादा नहीं करना ये वीकली स्टेप है जो कि आपको अपनी स्किन में करना है एंड बहुत अच्छा वाला फेस स्क्रब है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है ब्लैक हेड भी रिमूव हो जाते हैं इससे एंड देन अपने फेस को वॉश ऑफ कर लेना है स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट लगती है स्टेप के बाद नेक्स्ट में यहाँ पर यूज कर रही हूं हिमालय का प्योरिफाइंग नीम फेस पैक दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन ड्राई स्किन वाले से यूज़ ना करें एक सेपरेट बोल में आप ले लें जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए उतना बार बार उसको टच ना करें एंड अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन विंटर्स में ड्राई हो जाती है फ़ेस पैक लगाने के बाद तो आप इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करें एंड देन अप्प्लाई करें आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी बहुत अच्छा वाला फ़ेस पैक है अगर आपको पिम्पल्स होते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज़ इसमें नीम है तो वो काफ़ी अच्छा होता है एंड इसको आप टेन मिनट्स के लिए लगाएंगे एंड देन इसको वॉश ऑफ कर देंगे स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट क्लियर लगती है इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी आपको वीक में सिर्फ एक बार ही लेना है जब आप एक्सफोलिएशन करेंगे उसके तुरंत बाद आप फेस पैक लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वीक में सिर्फ एक बार करना है ये स्टेप रोज़ नहीं करना है टोनिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का हनी ग्लो टोनर गुड वाइब्स के टोनर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि इनमें कोई भी इरिटेशन नहीं होता है स्किन में एंड कोई रैशेज नहीं होता है शेक करने के बाद इसको अपने फेस पर स्प्रे करेंगे अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हो इसको सेल्फ ड्राई होने देंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छा वाला सीरम है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ऑयली है आप देख सकते हो ड्राई स्किन नॉर्मल स्किन इसको यूज़ कर सकता है बहुत अच्छा वाला सीरम है ऑयली स्किन इसको यूज़ ना करें हालांकि मेरा स्किन टाइप ऑयली है बट मुझे बहुत अच्छा सूट कर रहा है ये बट हर ऑयली स्किन टाइप पर्सन को ये सूट करेगा ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ आप इसको एक बार अप्लाई करेंगे एंड देन इससे मसाज करें फेशियल एक्सरसाइजेस करें जितना ज़्यादा आप इसको मसाज करेंगे रब करेंगे अपनी स्किन में उतना ही अच्छा ये आपको ग्लो देगा बिल्कुल भी चिपचिप -चिप नहीं करता है ये वाला प्रोडक्ट आपकी स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है बस आपको इसको टाइम देकर थोड़ा सा इसको रब करना होगा मसाज करना होगा आपकी स्किन में बहुत अच्छा वाला सीरम है विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है ड्राई स्किन वाले लोग ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें बहुत अच्छा वाला सीरम है अच्छा सा ग्लो मिलता है आपको मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हिमालय का बेबी क्रीम बहुत अच्छी वाली क्रीम है ये एंड आप कोई भी स्किन टाइप के हो आप इसको ट्राई कर सकते हो आप ऑयली स्किन हो तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल भी चिपचिप -चिप नहीं करता है ये स्किन पे एंड ये इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है क्योंकि ये बेबी प्रोडक्ट है एंड काफ़ी अच्छा काम करता है स्किन पर हिमालय के सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड लिप स्क्रब की रेमेडी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो आप चेकआउट कर सकते हो इस स्टेप के बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है लिप बाम के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड लिप बाम टेन रुपीज़ का आता है किसी भी शॉप पे मिल जाता है इतना अच्छा वाला लिप बाम है कितने भी चैप लिप्स हों एक बार यूज़ करना एंड आपके लिप्स काफ़ी ठीक हो जाते हैं और लास्ट स्टेप इज बॉडी लोशन यहाँ पर मैं निव्या का बॉडी मिल्क यूज कर रही हूँ एंड इसमें विटामिन ई है आमंड ऑयल है जो कि आपकी स्किन को काफी ज्यादा नरिश रखता है दिस इज वो वेरी ड्राई स्किन तो विंटर्स में अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा क्रैक हो जाती है तो आप इसको जरूर ट्राई करना आपकी स्किन काफी सॉफ्ट रहेगी तो so ये था स्किन केयर जिसको फॉलो कर सकते हो एक्सफोलिएशन और फेस पैक आपको करना है वीक में सिर्फ एक बार बाकी सारे स्टेप्स रोज कर सकते हो दिन में यूज कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना ना भूलना सो so, ये था विंटर स्किन केयर रूटीन जिसको आप फॉलो कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय